प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गोवा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के उद्घाटन से गोवा के विकास को और गति मिलेगी और जल रेस्क्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 विशेष पाठ्यक्रम शुरू करेगा। पीएम मोदी ने दक्षिण गोवा में 100 टीपीडी एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन किया। इसे 60 टीपीडी गीले कचरे और 40 टीपीडी सूखे कचरे को वैज्ञानिक तकनीक से प्रशोधन के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री ने पणजी और रीस मेगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ यात्री रोपवे की आधारशिला रखी। उन्होंने दक्षिण गोवा में 100 एमएलडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला भी रखी। गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त 1930 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों तक सरकार की योजनाओं को शत प्रतिशत पहुंचाने को सच्चा सामाजिक न्याय बताया। उन्होंने कहा, जब सैचुरेशन आता है तो समाज से भेदभाव मिट जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब सैचुरेशन होता है तो हर लाभार्थी तक पूरा लाभ पहुंचता है। जब सैचुरेशन होता है तो लोगों को अपना हक पाने के लिए रिश्वत नहीं देनी होती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। सैचुरेशन ही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सैचुरेशन गोवा को, देश को मोदी की गारंटी है।